भारत के नौजवानों के बीच ये कैसा कल्चर। लगातार आप फेसबुक पर यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे, बम्बीहा, लॉरेंस बिश्नोई, दुर्लभ कश्यप, जो मोबाइल की सेल्फी कैमरे में ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं जिसमें लगातार लाइन से लड़कों की बाइक्स एक साथ आकर सड़क के बीचों बीच आकर रुकती है। कई सारी गाड़ियों का कारवां चलता है और आकर सड़क पर रुकता है और ये गैंगस्टर्स बीच में खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पर, आपने भी जरूर देखे होंगे। ये किस किस्म का कल्चर चल रहा है भारत देश में, जिस देश ने दुनिया में आईटी रिवॉल्यूशन लाने के लिए अपने कई टैलेंटेड छात्रों को देश से बाहर भेजा। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में आज भारतीय होनहार टैलेंटेड लोगों के बगैर सिलिकॉन वैली का अस्तित्व ही नहीं रहा। गूगल का सीईओ भारतीय है, सुंदर पिचाई। तो ये कैसा कल्चर प्रमोट होने लगा हमारे देश में, जहां लोग देखकर इन गैंगस्टर्स को देखकर, इनका रुतबा रुबाब देखकर, इनकी रैलियां देखकर वाहवाही कर रहे हैं और उनके जैसा बनने की सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं। तो 90s का वो खौफनाक दौर आंखों के सामने फिर से भटकने लगा है, जब मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन्स को देख करके लोग उनके रुतबे रुबाब से इंप्रेस होकर के कुछ उसी प्रकार का करना चाहते थे। क्रिमिनल मेंटालिटी को बढ़ावा नहीं मिल रहा है क्या? ये जो छाप छूट रही है आज देश के युवाओं पर, और लगातार इसमें टेलीविजन मीडिया भी काम कर रहा है, और टेलीविजन का कोई एंटरटेनमेंट मीडिया की बात नहीं कर रहे हम, न्यूज चैनल्स जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं इन शार्प शूटर्स को, इन गैंगस्टर्स को, क्या वो सही है दोस्तों? उनकी कहानी को जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, ये बेहद खौफनाक है। इसका असर युवाओं पर बुरा पड़ रहा है, छोटे कवले दिमागों पर ये जो असर डाल रहा है, इससे कई क्रिमिनल्स इस देश के अंदर और भी पैदा हो सकते हैं दोस्तों। वो जमाना गया, वो कहानी भी घिसी पिटी हो गई, जब समाज से दबा कुचला होने की वजह से, समाज से दुत्कारा होने की वजह से, कई जख्म झेलने की वजह से कोई बंदा जो था वो क्रिमिनल बनता था, अंडरवर्ल्ड पर नाच करता था। आज की तारीख में तो लोग सिर्फ रुतबे रुबाब के लिए गैंगस्टर बनना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं होता, बस उनका शौक होता कि उनके पीछे चार लोग चले, रस्ते पर जब वो निकले तो उन्हें सलाम ठोके लोग, जिस लड़की पर उंगली चाहे वो उन्हें मिल जाए। ये अलग किस्म का कल्चर पॉपुलर किया जा रहा है इस देश में, जिसे अभी रोकने की जरूरत है। मूसेवाला कांड के बाद तो बिल्कुल रोकने की जरूरत है, क्योंकि आपको एक आंकड़ा बताने वाले हैं, सुनकर आपकी रूह दहल जाएगी, रूह कांप जाएगी। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने पंजाब में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पंजाब के युवाओं को अब ड्रग्स के साथ हथियारों का भी नशा होने लगा है। पंजाब में बढ़ते गन कल्चर को लेकर सरकार परेशान है। पंजाब के युवाओं में बढ़ते गन कल्चर को लेकर अब सरकार भी चिंतित दिखाई देने लगी। जानकर हैरान हो जाएंगे आप कि पंजाब में पुलिस से ज्यादा हथियार आम जनता के पास, ये बात कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं आपको, पंजाब में पुलिस से ज्यादा हथियार आम जनता के पास है दोस्तों। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हर 1000 में से 13 लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है। पंजाब में कुल 80,000 पुलिस कर्मी है, जबकि आम जनता के पास 4,00,000 से अधिक लाइसेंस वाले हथियार है। कई लोगों के पास तो एक ही लाइसेंस पर दो दो हथियार भी है। कुछ लोगों ने अपने पूरे घर वालों के नाम पर हथियारों के लाइसेंस ले रखे हैं। सोचिए, लाइसेंस वाले हथियारों की तादाद इतनी ज्यादा है, तब बिना लाइसेंस के अवैध हथियारों की तो शायद गिनती ही नहीं होगी। और ये हथियार पंजाब में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहां तक कि पाकिस्तान से भी तस्करी करके, स्मगल करके ला जाते हैं। आखिर पंजाब की युवाओं में हथियार रखने का शौक पनपा कैसे, इसके हमें इतिहास में जाना होगा। स्वर्ण मंदिर पर हुआ हादसा, उसके बाद जो माहौल वहां पर था, उसके पहले जो माहौल था और उसके बाद जो माहौल था, उसमें स्थिति ऐसी थी कि आम आदमी को अपनी सेफ्टी के लिए गन रखना जरूरी था। ऐसी स्थिति वहां पर निर्मित हो गई थी और इसी समय के चलते पंजाब सरकार ने भारी मात्रा में लोगों को हथियारों के लाइसेंस जारी किए थे आत्मरक्षा के लिए, और यहीं से पंजाब में हथियारों के लाइसेंस का चलन सा बन गया। और उस समय कई बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज को स्पेशल सिक्योरिटी दी गई, जो कि आज तक जारी है। इस सिस्टम का पंजाब के युवाओं पर गलत असर पड़ा। उन्होंने देखा जिनके पास पैसा पावर है उनका समाज में अलग ही रुतबा है। पुलिस वाले उन्हें सलाम ठोकते, उन्हें किसी सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ता, फिर ये पावर पैसे का हो या गन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा पंजाब में गन कल्चर को प्रमोट करने में यहाँ के नेताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जनता में अपने पावर को बनाए रखने के लिए युवाओं के हाथों में हथियार थमा दिए। वैसे पंजाबी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी इसमें काफी हाथ कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर गानों में आप गायकों को हाथों में गन लहराते देख सकते हैं। खुद सिद्धू मूसेवाला के ऊपर कई बार हथियारों को रखने को लेकर केस दर्ज हो चुके थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे कई लोगों का हाथ बताया जा रहा है, कई गैंग्स का एक साथ आकर मिलना बताया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ बताया जा रहा है। पंजाब में ऐसे एक दो गैंग्स नहीं बल्कि 8 से भी ज्यादा गैंग्स हैं। जी हाँ,
और ये हम नहीं कर बल्कि पंजाब में इन गैंग्स को खत्म करने के लिए गठित की गई AGTF यानी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। बताइए सर, अगर भारत देश के अंदर किसी प्रदेश को AGTF टास्क फोर्स एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करना पड़े तो सोचिए इस किस्म के हालात हो सकते हैं। ये कल्चर रुकना होगा दोस्तों। ये गैंगस्टर्स का महिमा मंडन जिस प्रकार से न्यूज चैनल्स में किया जा रहा है आज की तारीख, मूवीज में जब होता था तो होता था, पर जिस तरीके से न्यूज चैनल्स में किया जा रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में ये लोग अपने अकाउंट चलाते हैं, बताते हैं कि हम इस दिन इसको मारने वाले हैं, अपने रैलियों की फोटोग्राफ्स लगाते हैं, रात के 1-2 बजे हाईवे पर खड़े होकर बहुत सारी गाड़ियों की लाइन लगाते हैं, कोई बंदा बैठकर उसकी रिकॉर्डिंग करता है, उसके बाद सोशल मीडिया में डालते हैं, दिखाते हैं उनकी पावर कितनी, ताकत कितनी है। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की फोटो अपने आसपास लगाकर उनकी जयंती मनाते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं ये लोग। चाहे सही है दोस्तों, चाहे ये कल्चर हम अपने नौजवानों को सिखाना चाहते हैं, और क्या हमारे नौजवान इतने नादान हैं कि इस तरीके से उन्हें बहक जाना चाहिए? ये संदेश हम आप सबको देना चाहते हैं कि रुक जाइए, इससे किसी का भला नहीं होगा। ये 90s और 90s का दशक नहीं चल रहा, ये 2030s और 40s का जमाना है, यहाँ संभल के चलना ही सही है। देश के विकास को गैंगस्टर्स कभी प्रमोट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। गैंगस्टर्स के पास जो पावर आती है उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, खुद अपनी जान भी खोनी पड़ जाती है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। शान और शौकत दिखाने के लिए छाती पे गोली लेना या शान और शौकत दिखाने के लिए किसी को गोली मारना सही नहीं है, वर्थ इट नहीं है ऐसी शान शौकत, आप समझ रहे ना। पंजाब की AGTF ने 40 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट जारी की और उसमें ज्यादातर देश से बाहर भाग चुके लोग हैं। ये पंजाब में अपराध का लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है कि अपराधी अपराध करते हैं और विदेश भाग जाते हैं और फिर वहीं से बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं। अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी जिसने ली है गोल्डी ब्रार, वो भी तो कनाडा में ही है और पुलिस कनाडा जाकर उन्हें पकड़ नहीं सकती। ये अपराधी आराम से विदेश में बैठकर यहां के लोगों को टारगेट करते हैं। ये गैंग मर्डर, स्मगलिंग और न जाने क्या क्या इलीगल काम तो करते ही हैं, इसके अलावा अमीर लोगों से फिरौती भी मांगते हैं। ये लोग सेलिब्रिटीज को फोन करते हैं, उनसे मोटी रकम की मांग करते हैं और अगर वो फिरौती नहीं देते तो उन्हें गोली मार दी जाती है। तो चाहे वो कबड्डी प्लेयर हो, पहलवान हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो सकता है सिद्धू मूसेवाला से भी फिरौती मांगी गई हो जिसे उसने देने से इनकार कर दिया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, युवाओं को सही राह दिखाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए आपके हिसाब से? यह वो समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम अपने देश के युवाओं को इस खतरनाक रास्ते पर चलने से रोके। सरकार और पुलिस के साथ हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करने होंगे। सबसे पहले तो युवाओं को हीरो और विलेन में अंतर समझाना होगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि फिल्मों में भी अपराधियों को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, न्यूज चैनल्स में भी जो कहानियां बयान की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं महिमा मंडन हो रहा है, कहीं ना कहीं पुष्पा और KGF की जो ये इमेज बन रही है दोस्तों, इससे दूर रहने की जरूरत है। नहीं तो जिस देश ने इस पूरी दुनिया में IT रिवोल्यूशन हाल ही में लाया था, उसके बाद इस देश का क्या हाल हो सकता है आप खुद समझ लीजिए। इस मैसेज को शेयर करना ना भूले दोस्तों, बहुत जरूरी है। धन्यवाद।